आपने साउंड तो सुन ही लिया होगा कि ये किस तरीके का साउंड आ रहा है गाड़ी के अंदर। ये कुछ ऐसा साउंड आ रहा है कि मेढक टर 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 करके आवाज़ करता है ना, वो साउंड आपको इस गाड़ी में दिख रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये साउंड किस चीज़ का है, ये आवाज़ क्यों कर रही है इतना ज़्यादा, मतलब साउंड क्यों कर रही है ये गाड़ी। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको आप कहाँ से किस तरीके से सही कर सकते हो। तो आप जैसे क्लच खोलोगे, क्लच खोलने के बाद में ये बैलेंसर लगा रहता है, बैलेंसर लगा रहता है क्रैंक के बिल्कुल जस्ट पास में, एक शाफ्ट आई हुई है बाहर, बैलेंसर शाफ्ट वहाँ जो लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हो रबड़, बैलेंसर रबड़, बहुत छोटी छोटी रबड़ आती हैं, ये हार्ड हो जाती हैं, जैसे आप पहिए के अंदर ड्रम रबड़ बदलते हो ना, पीछे वाले व्हील के अंदर ड्रम रबड़, वैसे ही जो बैलेंसर रबड़ है ये मिल गया मार्केट में, मिल जाती है किट, ज़्यादा से 80-90 रुपये की किट आती है। तो और इसके साथ में जो छोटी छोटी बहुत पतली पतली स्प्रिंग आती हैं, वो उनका टेम्पर ख़त्म हो जाता है, इसलिए जैसी आवाज़ करता है, जैसे मेटल आवाज़ कर रहा है टर 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 टर। और जो स्प्रिंग देखिए मैं इसको जो फिट कर रहा हूँ ना इसमें, ये ऐसी स्प्रिंग आती हैं, और जो दूसरी मेरी हथेली पे जो रखी हुई है वो टूट चुकी है। और ये आप जो बैलेंसर रबड़ देख रहे हो ना, ये बहुत छोटी छोटी रबड़ है, ये देख मैं आपको बताता हूँ लगा के, ये देखिए ये रबड़ आपने देख ली, इस तरीके से रबड़ फिट होती है। और दोनों साइड में ये स्प्रिंग लगती है, एक स्प्रिंग ये लगी हुई है, ये नीचे पड़ी हथेली ये टूट चुकी है, इसलिए ये ऐसी आवाज़ कर रहा था टर 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 टर, मतलब मैटक टाइप की आवाज़ करता है। आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे तो बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाएगी, फिर आप एक्सीलेटर की आवाज़ चालू हो जाएगी। तो ये आपको काम करना, और आप ये भरोगे आपकी गाड़ी की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और ये ज़्यादा महंगी किट नहीं आती है, जो किट मैंने आपको बताई है ये किट ज़्यादा महंगी नहीं, 80-90 रुपये किट मिल जाती है। यदि अगर कई बार नहीं भी मिलती है तो आप ऑर्डर दे दो, 3 से 4 दिन के अंदर स्पेयर पार्ट्स वाले के पास आ जाती है, वो आपको मंगा के दे सकता है। और जो बैलेंसर जो मैंने आपको बताया खोल करके नहीं, वो पूरा भी आता है, वो पूरा आता है, पूरा लगभग वो आपके 950 रुपये के आसपास आता है। तो इतना पैसा अपने को नहीं खर्च करना है कस्टमर का, जो चीज़ आप 80-90 रुपये में ख़त्म कर सकते हो, जो आवाज़ को वो नया क्यों डालना, नया डालने का कोई भी मतलब नहीं आता है बीच में। आप उसको सिर्फ जो किट मैंने आपको बताई है, दो बैलेंसर रबड़ डाल करके, आप दो स्प्रिंग डाल करके आप ये आवाज़ बंद कर सकते हो। भाई अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की जानकारी मैं आपको हर प्रकार की देता रहूँगा बार बार। जैसे भी मेरे पास कोई भी समस्या वाली कोई फॉल्ट वाली गाड़ियाँ आती हैं, वो सबसे पहले मैं वीडियो यूट्यूब पर क्लिक करके आता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा मतलब दिक्कत ना आए आप लोगों को उससे। आप आवाज़ कई बार आवाज़ मैंने देखा है कि आवाज़ को मतलब समझ में नहीं आता कई मैकेनिक भाइयों को कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, कैम शाफ्ट को खोल देंगे, टाइमिंग चेन को खोल देंगे, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कुछ भी मतलब कर देना गाड़ी के अंदर, फिर भी वो आवाज़ नहीं बंद होना है, पैसा भी लगी जाता है आप लोगों का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।